शांत होकर के पलकों को ऐसे खोल करके और ऐसे सहज देखते हैं। मैं तो ऐसे दीपक का के साथ साथ सूरज का भी 10 मिनट त्राटक करता हूं। 54-55 साल की उम्र में मेरी भी दृष्टि थोड़ी कमजोर पड़ गई थी 50 के बाद। अखबार पढ़ने में मुझे मेरे आंखों पर जोर पड़ता था। अब मात्र एक महीने मैंने ये सूर्य का त्राटक किया है, जल नीति और तिफले से आईवास, इससे मेरी नेत्र ज्योति तो अच्छी हुई है। मन एकदम शांत, मेरा हार्ट रेट 60, पल्स रेट 60 और इसके साथ साथ नींद इतनी जबरदस्त आती है, रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक कोई स्वप्न नहीं। ऐसे जिनको नींद कम आती है, जिनका मन शांत रहता है, जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनके नेत्र ज्योति कमजोर है, जिनको अस्थमा है, जिनको अर्थराइटिस है, जो अपने मन को कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी काम में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, घर में, परिवार में, जिनका मन नहीं लगता है, हमेशा मन में उच्चाट रहता है, उनके लिए ये त्राटक एक बहुत बड़ी औषधि का कार्य करता है। अब मेरे ऊपर तो इस त्राटक का असर ही नहीं हो रहा क्योंकि मैं सूरज का करता हूँ तो मैं ये त्राटक तो मुझे लगता है मैं आधा घंटे तक कर सकता हूँ बिना पलक झपके। तो ऐसे ये भी एक उपाय बता दिया। अब आगे चलते हैं। देखो आगे हम अब कुछ आसन बताएंगे। स्वामी जी, यही सवाल जहन में था कि क्या एंगर मैनेजमेंट के लिए प्राणायाम ही सिर्फ कारगर है या कुछ योगा अभ्यास भी उसके लिए किए जाने। हाँ, आसन भी बता देते हैं, थोड़े तैयारी कर रखे हमने रिश्ता सेंटर के बाहर ये भी कर रखी है। अभी मेरा जब ये बिना मशीन इक्विपमेंट के बीपी रहता है 110 और 70, मेरा पल्स रेट 60 रहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योगाभ्यास पूरी शिद्दत से करें तो कितना ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट आता है। तो जिनको गुस्सा बहुत अधिक आता है वे शीर्षासन और सर्वांगासन भी कर सकते हैं, बशर्ते बीपी हाई ना हो। बीपी हाई वालों को हम ये मना ही करते हैं, बाकी इससे दिमाग के नस नाड़ियाँ इतनी ज़बरदस्त हो जाती हैं स्वस्थ। ऐसे एक मिनट तक, एक से फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक शीर्षासन, फिर सवासन, शीर्षासन के बाद सवासन करना चाहिए और जो शीर्षासन नहीं कर सकते उनको सर्वांगासन कर लेना चाहिए। अब गुस्सा किस किस कारण से आता है? एक तो गुस्सा भी जेनेटिक होता है, गुस्सा है, बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, जेनेटिकली होता है। तो ऐसे ये शीर्षासन सर्वांगासन बहुत ज़बरदस्त होते हैं और इनके करने के बाद एक खास बात ये होती है कि हमें शवासन करना चाहिए। शवासन में शरीर को जैसे ऐसे शांत करते हैं और माथे को ढीला छोड़ते हैं। तनाव 3 स्तर पर होता है, एक शरीर के स्तर पर, एक मन के स्तर पर। बॉडी पर जब स्ट्रेस होता है तो आपने देखा होगा किसी किसी के माथे पर तोड़ियाँ पड़ जाती हैं, किसी का चेहरा ही बिगड़ जाता है और यहाँ से तोड़ियाँ ही परमानेंट पड़ जाती है, लाइनिंग। माथा ढीला छोड़े, फिर माथे के बाद चेहरा, चेहरे के बाद गर्दन, फिर कंधे, फिर कोहनियाँ, फिर हाथ की उंगलियाँ, अंगूठे, फिर फेफड़े, हृदय, पेट, पीठ, जंघाएँ, भुजाएँ, सब शिथिल, घुटने, पिंडलियाँ, पंजे शिथिल शिथिल शिथिल। और जैसे ही एक मिनट ऐसे करते हैं तो बीपी आ जाता है 170 और बीपी आ जाता है 70-110, शुगर एकदम नॉर्मल, बीपी एकदम नॉर्मल, हार्मोन्स एकदम नॉर्मल, भूख एकदम नॉर्मल लगती है और नींद अच्छी आती है, नहीं तो लेप्टिन लेवल बढ़ जाता है स्ट्रेस से। तो फिजिकल स्ट्रेस खत्म,
मेंटल स्ट्रेस खत्म, और जब फिजिकल मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाता है आपके कार्यों में तनाव आता है वो भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे शवासन योग निद्रा इसको कहते हैं, ये भी एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ ना कर पाएँ तो रात को सोते समय बस ऐसे श्वासों पर ध्यान दें, और पहले फिजिकली अपने आप को शिथिल छोड़ें, फिर मेंटली, और फिर आत्मा को परमात्मा में, हम अपनी रूह को, अपनी सोल को उस खुदा अल्लाह परमात्मा ऑलमाइटी गॉड भगवान के साथ एकात्म कर दे। कनेक्टिविटी विद ऑलमाइटी, दिस इज योगा, कनेक्टिविटी विद यूनिटी। तो ऐसे अपने आप को अनंत के साथ जोड़ दिया, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और ऐसे गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा को उष्मा कंजन आँखों ऊपर करते हैं, आँखें खोल लेते हैं, बाएं करवट लेके बैठ जाते हैं। अब ये शवासन, ये योग निद्रा भी औषधि का काम करती है। फिर सिंहासन, ऐसे ऐसे मस्ती से एक बार जोर से हंस लेते, एक बार आप भी हंस लो, मीनाक्षी जी, हुसैन जी, बहुत देर से काफी गंभीर है आज, मैं तो हंस लीजिए हुसैन थोड़ा आप भी। मैं हंस रहा हूँ लेकिन इससे ज्यादा हंसूंगा तो लोग डर जाएंगे।